दोस्तों आप इंजन में नए पार्ट्स फिट कर चुके हैं और आपका इंजन ओवरहाल हो चुका है, लेकिन फिर भी इंजन स्टार्ट नहीं ले पा रहा है, तो कारण ये हो सकता है। यहाँ पर जो इंजन है देख सकते हैं, पिस्टन के ऊपर ऑयल आया हुआ है, दैट मीन्स कि इसकी जो इंजेक्शन टाइमिंग थी वो रिटायर्ड थी। यहाँ पर आपने एक काम करना है, जब भी हम किसी इंजन को बांधते हैं तो उसके ऊपर दो मेन इफेक्ट काम करते हैं, जो कि एक वाल्व टाइमिंग और उसका इंजेक्शन टाइमिंग। कभी भी ध्यान रखना, हमारी इंजेक्शन टाइमिंग और वाल्व टाइमिंग के ऊपर मेन इंपॉर्टेंट एक रोल होता है, इसके बिना इंजन स्टार्ट होना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर दो गियर दिखाए गए हैं जिसमें हम टोपली खोल रहे हैं, ये क्रैंकशाफ्ट गियर है और साथ ही साथ बड़े वाला गियर है, उसको हम कैमशाफ्ट गियर कहेंगे। दोनों गियर के ऊपर एक एक मार्क होता है, पंच मार्क जिसको हम कहते हैं, और वो दोनों को कोइंसाइड करने से हमारे जो इंजन होता है उसकी वाल्व टाइमिंग और इंजेक्शन टाइमिंग सेट हो जाती है। जो क्रैंकशाफ्ट गियर है वो कैमशाफ्ट गियर को ड्राइव देता है, कैमशाफ्ट गियर के ऊपर फ्लाईवेट्स लगे हैं जो कि हमारे पंप को भी कंट्रोल करते हैं, और साथ ही साथ ये क्रैंकशाफ्ट के साथ होता है जिससे हमारे वाल्व भी कंट्रोल होते हैं। तो यहीं से दोनों चीज़ ऑपरेट होती हैं, तो इसलिए ये मार्क को मिलाना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी क्या होता है, किसी इंजन के अंदर ये मार्क नहीं होते, तब आपने क्या करना है, जो इंजन का पिस्टन है उसको TDC पे फुल TDC पर लेकर आइए, और साथ ही साथ उसी टाइम पर आपने क्या करना है कि आपके दोनों जो पुश रोड है आपने इंश्योर करना है कि दोनों फ्री होने चाहिए आपके, और उसी टाइम पर आप जैसे ही उसको क्लॉकवाइज रोटेशन दोगे तो फुल TDC मार्क में जैसे ही पिस्टन आपका थोड़ा ऊपर की तरफ मूव करेगा तभी आपका फ्यूल इंजेक्ट करना चाहिए इंजेक्शन के अंदर से। आपने उसी टाइम पे ये दोनों गियर के ऊपर मार्क कर देना है, आपका इंजन डेफिनेटली स्टार्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ आपने हमेशा ध्यान रखनी है, वाल्व टाइमिंग और इंजेक्शन टाइमिंग अगर किसी इंजन का सही है तो एक परफेक्टली इंजन चलता है। हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखिए और आपका इंजन बिल्कुल सही चलेगा। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करिए। थैंक यू सो मच।